वेलकम टू माई क्लास चैनल। हमारे पास क्वेश्चन ये है, एंड बाइनरी नंबर है उसकी बेस 2 है, तो हमने उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो जो नंबर हमारे पास गिवन होता है तो हम उसको क्या कर लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं और उसकी बेस भी लिख लेते हैं। देख लेते हैं एक दफ़ा हमने करेक्ट लिखा है, यस। अब हमने क्या करना है, बहुत ईजी है। इस नंबर का जो फर्स्ट डिजिट है उसको लेना है, मल्टीप्लाई 2 के साथ करा देना। अब 2 के साथ क्यों, क्योंकि बेस 2 है। इस नंबर के हर डिजिट को यहाँ पर लिखते जाना है और 2 के साथ मल्टीप्लाई कराते जाना है, ठीक है। फर्स्ट डिजिट है 1, उसको मल्टीप्लाई कराना है 2 के साथ, बेस 2 है इसलिए। फिर आपने नेक्स्ट यहाँ पर क्या कर देना है, प्लस का साइन लगा देना है। नेक्स्ट डिजिट 1 के बाद 0 है तो 0 लिखो, उसको भी मल्टीप्लाई बाय 2 और यहाँ पर क्या आ जाना है, प्लस आ जाना है। इसी तरह नेक्स्ट डिजिट 1 है तो 1 को भी मल्टीप्लाई बाय 2 और यहाँ पर क्या आ जाना है, प्लस आ जाना है। फिर 1 है, 1 को भी मल्टीप्लाई बाय 2 और यहाँ पर क्या आ जाना है, प्लस आ जाना है। फिर 0 तो 0 को भी मल्टीप्लाई बाय 2 और यहाँ पर क्या आ जाना है, प्लस आ जाना है। फिर हमारे पास क्या आ जाना है, हमने कहाँ तक लिख लिया, यहाँ तक, ठीक है। फिर 1 आ जाना है और मल्टीप्लाई हमारे पास 2 और फिर प्लस क्या आ जाना है, 0 भी आ जाना है। 0 मल्टीप्लाई बाय 2 और यहाँ पर क्या आ जाना है, प्लस का साइन आ जाना है। इसी तरह ही हमारे पास क्या आ जाना है, यहाँ पर स्पेस नहीं है वरना हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ही लिख लेते हैं, ठीक है। आपने स्ट्रेट लाइन में जाना है, नहीं है स्पेस तो फिर नीचे लिख लेंगे, ठीक है। कि यहाँ तक हमारा हो गया सॉल्व और अब रह गया 100, तो 1 को भी हमने क्या करा देना है, मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस, और ये 0 को भी मल्टीप्लाई बाय 2 और फिर ये जो लास्ट डिजिट है 0 उसको भी मल्टीप्लाई बाय 2। इतना काम कर लिया कि इस नंबर के सारे डिजिट्स को हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, और यहाँ पर अब आपने क्या कर लेनी है, पावर असाइन कर देनी है। यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3। राइट साइड से ना आपने हर 2 के ऊपर, 2 के ऊपर ही पावर साइन करनी है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9, इस तरह से। अब आपने क्या कर लेना है, आगे ऐसे सॉल्व कर लेना है कि 1 का 1 आ जाएगा। पावर्स को सॉल्व कर लेना है इस स्टेप पे। 2 की पावर 9 है हमारे पास, तो 2 की पावर 9 जो है हमारे पास, उसका क्या मीन है कि आपने जो है 2 को 9 टाइम्स लिख लेना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 टाइम्स मैंने लिखा, वो 5, 1, 2 के इक्वल है। कैसे, 2, 2 टाइम्स 4, 4, 2 टाइम्स 8, 8, 2 टाइम्स 16, 16, 2 टाइम्स 32, 32, 2 टाइम्स 64, 64, 2 टाइम्स हमारे पास होता है 128, 128 2 टाइम होता है, 256 और 256 2 टाइम्स होता है 512। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर 512 आ गया। प्लस का प्लस आ जाएगा, 0 का 0 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 2 की पावर 8 हमारे पास क्या होता है, 2 की पावर 8 256 की इक्वल होता है, क्योंकि 1, 2 को कट कर दो तो हमारे पास यहाँ तक 256 ही आया था। तो 2 की पावर 8 है, तो आप करके देखना तो कर लें, 2 को 8 टाइम्स लिखो, मल्टीप्लाई करवाओ तो आपके पास क्या आ जाएगा, 256 आ जाएगा। और फिर प्लस का प्लस आ जाएगा, 1 को लिखो और फिर यहाँ पर हमारे पास कि मल्टीप्लाई 2 की पावर, तो 2 की पावर 7 हमारे पास जो है किसकी इक्वल हो जाएगा, 256 से पीछे हमारे पास यहाँ पर आएगा 128। तो 2 की पावर 7 128 की इक्वल है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 128। फिर आ जाएगा प्लस का प्लस हमारे पास और 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 6 हमारे पास किसके इक्वल आता है, 2 की पावर 6, 2 को हमने क्या कर लेना है, 6 टाइम्स लिख लेना है, 2, 3, 4, 5, 6, तो क्या आ जाएगा, 2, 2 टाइम्स 4, 8, 2, 2 टाइम्स 4, 4, 2 टाइम्स 8, 8, 2 टाइम्स 16, 16, 2 टाइम 32 और 32, 2 टाइम्स 64, तो 2 की पावर 6 64 के इक्वल है, किसके इक्वल है, 64 के। प्लस का प्लस आ जाएगा, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 5 है, तो 2 की पावर 5 है तो इसको 1, 2 को कट कर देंगे तो हमारे पास 32 आ जाएगा, ठीक है, इन सबको मल्टीप्लाई करने से। तो 2 की पावर 5 किसके इक्वल हो गया, 32 के। फिर हमारे पास क्या है, प्लस का प्लस है और यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 है, तो 2 की पावर 4 किसके इक्वल होता है, 16 के। कैसे, एक और 2 को कट कर दो तो 2, 2 टाइम्स 4, 4, 2 टाइम्स 8 और 8, 2 टाइम्स 16, तो 2 की पावर 4 16 के इक्वल आ गया, तो हम यहाँ पर 16 लिख देते हैं, ठीक है। फिर आगे का ये नीचे ही सॉल्व कर लेते हैं, प्लस का प्लस आ जाएगा और 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 3 किसके इक्वल होता है, 8 के। 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या होता है, 8 होता है, ठीक है।
फिर आ जाएगा प्लस का प्लस साइन, और फिर यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1 का 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर हमारे पास 2 है यहाँ पर, तो 2 की पावर 2 किसके इक्वल होता है 4 के, 2 की पावर 2 है तो वो किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 के इक्वल। फिर हमारे पास क्या हो जाना, प्लस का प्लस आ जाना है, 0 का 0 आ जाना मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 है, जब भी किसी नंबर की पावर 1 होगी ना तो वो नंबर ही आ जाता है, मतलब 2 ही आ जाना है, प्लस का प्लस 0 का 0 और मल्टीप्लाई 2 की पावर 0 है, जब भी किसी नंबर के ऊपर पावर 0 होती है तो वो 1 की इक्वल हो जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब हमने इसको आगे कैसे सॉल्व कर लेना है कि मल्टीप्लाई करा देना है। ठीक है, 1 को 512 से कराएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 512 ही आ जाएगा, और हम यहाँ पर क्या 512 ही लिख लेंगे। फिर प्लस का प्लस आपको पता है 0 को जब भी किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं तो 0 ही आ जाता है, तो इसको मल्टीप्लाई कराया तो 0 आ गया, प्लस का प्लस आ जाएगा, 1 को 128 से कराएंगे तो 128 आ जाएगा, प्लस का प्लस 1 को 64 से कराएंगे तो 64 आ जाएगा, प्लस का प्लस 0 को हम 32 से कराएंगे तो 0 आ जाएगा, प्लस का प्लस आ जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास 1 है और यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है 16 है, ठीक है ना, तो 1 को 16 से कराएंगे तो 16 आ जाएगा, प्लस का प्लस 0 को 8 से कराएंगे तो 0 आ जाएगा, और 1 को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे 4 आ जाएगा, 0 को 2 से कराएंगे 0 आ जाएगा, 0 को 1 से कराएंगे तो 0 आ जाएगा। अब इन सबको हमने क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है, तो सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है प्लस करा के, तो हमारे पास सबको प्लस कराने पे आता है 724। ठीक है, सबको प्लस करा के ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे जो नंबर हमारे पास गिवन था 1011010100, मैंने सही लिखा है, एक दफ़ा चेक कर लिया, यस, इसकी बेस भी 2 लिख लें। हमने क्या किया है, बाइनरी नंबर था बेस 2 थी, हमने इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया तो बेस भी हम साथ लगा लेंगे, इसकी डेसिमल नंबर सिस्टम की बेस 10 होती है। ओके जी, हमने बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना देख लिया। अब एक और मैं छोटी सी एग्जांपल ले लेती हूँ, चलें एक और हम ले लेते हैं 1101। ठीक है, ये हमने ना क्वेश्चन ले लिया, इसको हमने सॉल्व करना, आप भी मेरे साथ करें ताकि देखें आपको आ गया समझ में। तो क्या मैंने सबसे पहले बताया था, नंबर का फर्स्ट डिजिट लिख लेना है, गुड, उसको मल्टीप्लाई किसके साथ कराना है, जो बेस है 2 के साथ, यहाँ पर क्या साइन आ जाना है प्लस का, फिर नेक्स्ट डिजिट ले लेना है 1 है, उसको भी मल्टीप्लाई किसके साथ कराना है 2 के साथ, फिर आ जाना है प्लस, फिर नेक्स्ट डिजिट 0 है उसको भी ले लेना है, मल्टीप्लाई किसके साथ कराना है, जो बेस है 2, फिर नेक्स्ट डिजिट ले लेना है 1 है उसको भी मल्टीप्लाई 2, सबको आपने इस नंबर के सारे डिजिट्स को मल्टीप्लाई 2 से करा दिया। अब और क्या काम करना है, यस, पावर असाइन करनी है राइट साइड से 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3। अब आपने क्या कर देना है, 1 का 1 आ जाएगा, पावर सॉल्व कर लेनी है स्टेप में, 2 की पावर 3 किसके इक्वल होता है 8 के, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 और 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 प्लस। अब आपको ज़ुबानी याद हो जाना चाहिए कि 2 की पावर 3 किसके इक्वल होता है, यहाँ तक तो याद हो जाता है, 2 की पावर 3 किसके इक्वल होता है 2 की पावर 2 और 1 और 0, और फिर 4 भी याद हो जाता है, ये 16 के इक्वल होती है। ठीक है ना, बाकी फिर आप देख लिया करें। अच्छा जी, उसके बाद हमने क्या कर देना है, यहाँ पर 2 की पावर 2 4 के इक्वल होता है प्लस 0 का 0, मैंने आपको क्या बताया था, जब भी किसी नंबर के ऊपर पावर 1 होगी तो वह नंबर ही आ जाता है, मतलब 2 का 2 आ जाता है, और जब भी किसी नंबर के ऊपर पावर 0 होती है तो वो 1 के इक्वल हो जाता है। सही है, अब हमने क्या कर लेना, मल्टीप्लाई करा देना, 1 8 टाइम 8 आ जाएगा, 1 को 4 से कराएंगे 4 आ जाएगा, प्लस का प्लस 0 को 2 से कराएंगे 0 आ जाएगा, और 1 को 1 से कराएंगे 1 आ जाएगा। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, 8 में 4 को प्लस करें तो हमारे पास क्या आ जाता है 12 और 1 13, 13 आ गया हमारे पास, तो इसको लिख भी लेते हैं कि हमारे पास ये बाइनरी नंबर था, इसकी बेस 2 थी और हमने इसको कन्वर्ट कर दिया डेसिमल नंबर में, और इसकी बेस हमने लगा दी 10, तो इस तरह से आपको कन्वर्ट करना आ गया। अब आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, कहा जाता है बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करो, तो आप इजीली कर सकेंगे, एक दफ़ा कंप्लीट देख लें। ये फर्स्ट क्वेश्चन का सलूशन है, ठीक है, यहाँ तक हमारे पास, और फिर नेक्स्ट का देख लें कि हमने यहाँ से यहाँ तक इसको सॉल्व कर लिया। फिर भी कोई आपके साथ कोई प्रॉब्लम है, कुछ नहीं समझ आता, तो मुझे आप कमेंट करके कह सकते हैं, मैं आपको जो है बता दूंगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।